सुजानपुर के चौगान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धूमल ने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या व जीवन पद्धति में शामिल करें। उन्होंने कहा कि योग मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। विश्व में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे योग व आध्यात्मिक गुरुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अधिक योगदान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पटल पर योग के महत्व को समझाया और इस प्रस्ताव को 90 दिनों में पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की और योग के महत्व को समझकर 177 देशों ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का फैसला लिया, जिससे आज विश्व के हर जनमानस को योग महत्व का ज्ञान हुआ है, जिसकी वजह से वह अपनी मानसिक व शारीरिक कमियों को योग द्वारा दूर कर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। योग और आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसे आज पूरी दुनिया योगा और आयुर्वेदा के नाम से जानती है। योग दिवस पर सुजानपुर मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, एसडीएम सुजानपुर शिवदेव, महामंत्री अनिल शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, सुजानपुर शहरी इकाई के उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, सचिव प्यारचंद, भाजपा नेता वीरेंद्र ठाकुर गप्पा व सुजानपुर भाजपा कार्यकर्ता और सुजानपुर के सभी स्कूलों से आए हुए बच्चों ने योगा कर अपने जीवन में योग शैली को अपनाने का संकल्प लिया। पीएल टीवी के लिए सुजानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।